बात करें आज खास प्रीव्यू रखा आपने ब्लाइंड लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि मैं ये काम कर पाया जो मैंने सोचा था, क्योंकि आधा टाइम मुझे लगता है लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं उस चीज़ के बारे में। मुझे आज खुशी है कि मैंने एक सोच को सच में बदला है, तो काफ़ी खुशी है। ये लोग आए हैं फिल्म देखने के लिए, इन पे भी मुझे ये हो रहा था कि पता नहीं ये लोग आएंगे या नहीं आएंगे, ये लोग इस चीज़ को सीरियसली ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो मुझे सबसे बड़ी वही खुशी है कि ये लोग आए और मैं इस सपने को सच कर पाया एक अपनी फ्रेंड निधि के साथ। सर, ये सोच आया कहाँ से आपके पास? बेसिकली देखिए, मेरी एक फ्रेंड है निधि करके, जो कि अब एक परिवार का हिस्सा हो चुके हैं। उनके साथ मैं कभी एंटरटेनमेंट की बात किया करता था बैठ के, तो वो किसी फिल्म का रिव्यू मुझे बता रही थी, तो मुझे ऐसा लगा ये फिल्म तो मैं भी देख के आया हूँ, लेकिन मुझे वो पॉइंट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं जो ये बता रही हैं। तो मे बी शायद मैंने कहा मैंने कुछ मिस किया होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे ये फिल्म को समझ पा रही थी, ऐसे कैसे आपने देखी फिल्म? उन्होंने बताया कि उनकी सिस्टर है नेहा गोयल, उन्होंने उसको काफ़ी वो हेल्प की, और जितनी बार भी वो फिल्म देखने जाती हैं तो वो उसको डिस्क्राइब करती हैं कि क्या क्या हो रहा है, जहाँ साइलेंस होता है सीन में, जहाँ डायलॉग्स नहीं होते हैं। तो मुझे एक आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि ऐसी फिल्में हमारे इंडिया में बन नहीं रही हैं जहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि आमिर खान साहब जो हैं हमारे, उन्होंने 3-4 फिल्में उनकी निकाली हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है, आप ऑन कर सकते हैं उसे और ऑफ़ कर सकते हैं। तो वो पर मैंने पूछा उनकी स्क्रीनिंग हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, स्क्रीनिंग नहीं हुई। वो क्या है, जब फिल्म जब रिलीज़ हो जाती है तो फिल्म के या 3 महीने या तो 6 महीने बाद जब फिल्म की DVDs बनती हैं तब उसका ऑप्शन चालू करते हैं। तो मुझे लगा कि ये पहला ही हफ्ता है, मुझे लगा शायद जो चीज़ हम लोग फील कर पा रहे हैं आज इस जगह कि एक फिल्म आई है, रिलीज़ हो रही है और हमें चल के देखना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी पूरा हक़ है वो चीज़ देखने की। और मैंने ये आइडिया निधि को प्रपोज़ किया कि क्या एक स्क्रीनिंग रख सकते हैं, ऐसा तुम्हें लगता है करना चाहिए क्या? तो उसने झट हाँ कर दी। फिर तब मुझे ये लग रहा था पता नहीं योगेश जी मेरी इस बात को हाँ करेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो डायरेक्टर हैं फिल्म के। फिर मैं ये डरते रहते, मैंने उनसे 4 से 5 दिन जब बीते तो मैंने उनसे पूछा सर ऐसा ऐसा मेरा आइडिया है, तो सर ने भी हाँ कर दिया। तो मुझे लगता है शायद अपने आप ही ऊपर वाले के उससे आशीर्वाद से एक के बाद एक के बाद एक चीज़ होती चली गई, तो बस वहीं से वो आइडिया निकल गया और मैंने आज उस आइडिया को एक तरह से एक स्टेप ले लिया उसकी तरफ। सर, 18 तारीख आपका मूवी रिलीज हो चुकी है। हाँ जी, पब्लिक का रिस्पॉन्स भी अच्छा है, उसके बारे में क्या? मैं काफ़ी बहुत खुशनसीब हूँ जो रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिल रहा है, और मैं काफ़ी ज़्यादा जहाँ भी मुझे मौका मिल रहा है वो रिव्यूज़ में पढ़ रहा हूँ कि किसी ने अगर मेरे बारे में कुछ बुराई की है तो मैं उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कोई चीज़ कम रह गई होगी जो मैं और सुधार सकता हूँ अपनी परफॉर्मेंस में। बाकी एज एन एक्टर आपका वो प्रोसेस चलता रहता है कि आप कहीं ना कहीं कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो वो मैं उसके लिए तैयार हूँ और मैं अपने आप को चला रहा हूँ उस चीज़ को, अपने मन में प्रोसेस कर रहा हूँ क्या गलती हुई, क्या गलती रह गई, क्या गलती सुधारी जा सकती है, वो चीज़ मेरी चली रही है। सर, देखा जाए तो हर एक मूवी में जब मूवी बनती है, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं एक टफेस्ट मोमेंट होता है और एक फनीएस्ट मोमेंट होता है। हाँ जी, तो दोनों में थोड़ा बताएंगे क्या थी? टफेस्ट मोमेंट देखिए मेरे लिए तो क्योंकि कैमरे के सामने मैं एक दो बार गया हूँ, पहले एडवर्टीजमेंट मैंने किया है, सीरियल्स मैंने किए हैं 2 कैमियो के से, लेकिन टफेस्ट मोमेंट जो फिल्म के हिसाब से मेरा था वो ये था कि किसी भी लोकेशन का, किसी भी जगह का वो पहला सीन कैमरे के सामने और पहला मिनट मेरे लिए काफ़ी टफ होता था। मुझे लगता था बाप रे अब क्या होगा, जैसे आप ऑडिशन देने जाते हैं तो वहाँ आपको लगता है कि बाप रे कुछ गलत ना हो जाए, और उस चक्कर में कभी कभी गलत हो जाता है, तो मेरे से भी गलतियाँ होती थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे उस डर पर कहीं ना कहीं अभी काबू पाया है। और फनीएस्ट मोमेंट वो था जब हर गाने के शूट के लिए मुझे बोला जाता था गाने के बोल बोलते बोलते आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या है यार, ये चीज़ क्यों हो रही है, मुझे लगता था ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो वो फनीएस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा था क्योंकि मुझे हंसी आती थी, मैं सिर्फ देखता रहता था कि ये ऐसी क्या चीज़ है जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ और मैं हंस क्यों रहा हूँ, उस चीज़ को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें यादगार हैं, और भी कई सारे पोर्शन हैं लेकिन मुझे लगता है सारे बयान नहीं हो पाएंगे। कुछ खास तो एक तो फनीएस्ट वो मोमेंट था कि मुझे लगा सबसे बढ़िया तो मैंने जब गोली खाई है तो मुझे लगता था कि साउंड नहीं होगा सिर्फ रिएक्ट करना है, तो पर ऐसा हुआ कि उन्होंने एक बार मुझे रिहर्सल करके बताया कि ऐसे ऐसे करना है, मैंने कहा ठीक है। तो जब उन्होंने गोली मारने का जो फाइनल टेक होना था उसमें जब गोली मारी तो उसमें रियल का साउंड आया, और वो मतलब मेरा जो एक्सप्रेशन था वो रियल का एक्सप्रेशन निकला कि बाप रे वो थी, वो जो आवाज़ हुई जो एक पटाखे की आवाज़ थी वो थी, और मैं झटके से जो गिरा हूँ सारी यूनिट बस हंस रही थी देख के कि इसको बताया नहीं हमने, और ये लोग सब मज़े ले रहे थे क्योंकि मैं उनसे ये पूछ रहा था कुछ आवाज़ होगी, तो बोले नहीं बस तुम्हें रिएक्ट करना है, गोली हम करेंगे ठा, तो वो जो ठा था वो लिटरली कानों में गया, मुझे समझ में आया अच्छा गोली ऐसे चलती है, तो मैं गिरा हूँ। और उसके बाद मैं करीबन 5 मिनट तक सिर्फ लेता रहा सुन होके कि हुआ क्या है, मुझे अपने आप में वापस आने में 5 मिनट लगे कि अच्छा गोली चल गई है, तो वो उनको एक अच्छा शॉट भी मिल गया एक तरह से, और मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा वो एम्बेरसमेंट था, एम्बेरसिंग सिचुएशन थी मेरी, तो वो चीज़ है। क्या राहुल बड़े अकेले ही लगे पड़े हैं, कोई स्टार साथ में नहीं है, कुछ नहीं है,
बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, उसके पीछे सारी कहाँ से ये मिला सब चीज़ें आपको? मेहनत तो मुझे लगता है शायद मेहनत हर एक इंसान करता है मुझे ये लगता है, और जो पावर मुझे मिल रही है वो ऊपर वाले से मिल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ मेरे लिए पहली पहली हो रही है, पहली फिल्म है, पहले सब कुछ है, तो मुझे लगता है मैं सब चीज़ें एक साथ ही ले आऊँ, कुछ ना कुछ कोशिश करके हर चीज़ जो मुझे अभी मैं फील कर पा रहा हूँ कि जैसे स्क्रीनिंग मुझे लग रहा था कि कर देनी चाहिए, तो मुझे मैंने कहा ये सोच को एक काम करते सच में बदल ही देते, तो मैंने वो किया। स्टार एसएच फिल्म के जो हैं, मुझे लग रहा था जैसे मुकेश जी हैं एक तरह से स्टार हमारे, जो वो अभी है नहीं यहाँ पे, वरना मैं उनको भी बुलाता, वो शूट में बिज़ी हैं। और बाकियों को मैंने सर से पूछा था, सर ने बोला बहुत शॉर्ट नोटिस है, किसी को बुलाया जा नहीं सकता, तो मैंने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं सर, हम दोनों ही करते हैं फिर। तो हम दोनों ने मिलके फिर उस चीज़ को कंटिन्यू किया। हाँ जी, वेलकम।